मारुति सोनारी औजार के अंदर रतलाम। ये वीडियो हमारा नाक और कान को छेदने वाले मशीन का है। आपके सामने जो तीन मॉडल रखे हुए हैं, ये मशीन है नाक कान में छेद जो करते हैं, होल जो करते हैं, वो इन मशीनों द्वारा आप कर सकते हो। आपने देखा होगा अधिकतर नाक और कान तार से छेदा जाता है, पर अभी इन मशीनों के आने के बाद में आप आसानी से बिना कोई दर्द के आप इन मशीनों से नाक और कान दोनों में छेद कर सकते हो। हमारे पास में ये तीनों मॉडल अवेलेबल हैं और एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। मशीन के साथ में जो स्टूड है वो भी हमारे पास एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। आपके सामने जो तीन मॉडल रखे हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा रेगुलर में चलने वाले मॉडल हैं। मैं आपको एक डेमो देके बता देता हूँ मशीन का कि किस तरीके से मशीन वर्क करती है, किस तरीके से नाक कान छेदे जाते हैं। अभी जो आपके सामने मॉडल रखे हुए हैं उसमें सबसे कॉमन मॉडल हमारा इस टाइप का मॉडल आता है। ये हमारा सबसे कॉमन मॉडल है। इसमें आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आप नाक और कान में छेद कर सकते हैं। ये जो पिन होता है, स्टूड बोलते हैं हम लोग इसको, ये स्टूड आगे से डायमंड लगा हुआ होता है। इस स्टूड की सहायता से आप इसमें छेद, आपके नाक और कान में जिसको भी आपको छेद करना आप कर सकते हैं। इस तरीके की ट्विजर से आप पकड़कर इस तरीके से इसको आगे आपको इस तरीके से लगाना है। ये देखिए, आप एक बार देखिए इसको। इस तरीके से लगाने के बाद में ये मशीन को पीछे से इस तरीके से आपको खींचना है और जो भी आपको छेद करना है वो इस जगह पे आपको छेद करने के लिए यहाँ पे कान की पट्टी को रखना पड़ेगा। जैसे डेमो के लिए मैं बताता हूँ, ये देखिए इस तरीके से पट्टी को रख के आपको सेंटर मिला के और ये ट्रिगर दबा देंगे तो ये ऐसा वैसा पेच उसमें फिक्स हो जाएगा। ये पेच कान में इसी तरीके से होल कर देगा। इतनी सी देर की बात रहती है, सिर्फ पलक झपकते से ही कान में छेद हो जाता है। थोड़ा सा आपको सेंटर देखना पड़ेगा, इस तरीके से ये छेद हो जाएगा। और आपके पास में इसके साथ में जो इस तरीके का पेच हम लोग देते हैं वो आप इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो भी आपके पास में नाक कान छेदने के लिए आए वो आप इस तरीके से छेद सकते हैं। एक मशीन और है, उसका मैं अब आपको डेमो देता हूँ। ये तो हो गया हमारा कॉमन मॉडल। ऐसा कैसा सेम मॉडल ये भी है, ये पत्ती वाला मॉडल है। ये पीछे खींचने के बाद, इसमें पकड़ने के बाद एक हाथ से पत्ती वाला सिस्टम है। ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, इसलिए ज़्यादातर हमारे पास में ये और ये मॉडल चलता है। ये सबसे हेवी और सबसे शानदार मॉडल है। इस मॉडल में आपको साथ में इसके आगे के जो पेच आते हैं इस तरीके के, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई छोटा बड़ा स्टूड है तो उसके नाप के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आगे से एडजस्टेबल है, खुल के मशीन के साथ में आगे की तरफ लग जाएगा। मैं आपको एक डेमो देके बताता हूँ किस तरीके से ये काम करेगा। जैसा कि अभी आपने देखा था, उसी तरीके से इस मशीन में भी आपको पेच को लेना है और इस तरीके से आपको फिक्स करना है। इसके बाद में आपको ये ट्रिगर को इस तरीके से पीछे धकेलना है और जो भी कान का पट्टी है, नाक का पट्टी है, उसमें रख के इस तरीके से छेद कर देना है। इतनी सी देर में आपका जो भी आइटम आप छेद करोगे इस तरीके से छेद हो जाएगा। नाक में होगा, कान में होगा, और भी हमारा नाक कान छेदते हुए भी वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पे, हमारा आप चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगा। ये हमने एक मशीन के डेमो के हिसाब से आपको बताया है। इस तरीके से आप नाक कान छेद सकते हैं। तीनों मॉडल अवेलेबल रहते हैं ऑल इंडिया में। कहीं भी आपको इस टाइप का मॉडल अगर चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू मिल के आप हमको ऑर्डर कर सकते हैं। हम बाय कुरियर से, बाय पोस्ट से, जो भी आपके एरिया की सर्विस होगी वहाँ पर हम इसको भेज देंगे। मारुति सोनारी औजार केंद्र, रतलाम।